अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सोनिया सत्ती। नाजरीन, फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 कौमी असेंबली से पास करवा लिया गया। इस बिल के इम्पैक्ट क्या होंगे, आम आदमी पर कितना बोझ इससे पड़ेगा, बाकी वुजरा जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ इसमें आमने सामने आ गए, फिर प्राइम मिनिस्टर और जो परवेज खटक साहब हैं उनके दरमियान भी तल्ख कलामी हुई। बहुत सारे जो सारे पार्लियामेंट हैं उनको कनेक्शन के हल्कों में दिए गए, लेकिन गैस का आने काम की जा रही। वहां पे 140 से ज्यादा मेंबर बैठे हुए थे, 150 के करीब मेंबर बैठे हुए थे, सबकी मौजूदगी में ये तलखलामी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल मायूसी की बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, ना उम्मीद की बात नहीं है। हलचल मच गई है, हर दिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है, ऑपोजिशन अपनी जीत का दावा कर रही होती है। यार्ड स्टिक्स बुनियादी तौर पे एक होनी चाहिए हर मामले के लिए, हतमी फैसला यकीनी तौर पे आना है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से सोलो फ्लाइट का ऐलान कर दिया, इसके बाद तो यहाँ पे इमरान खान को कोई खतरा मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो परेशान हो। अयाज सादिक साहब ने पिछले दिनों एक तकरीब में बात की और बड़े ढके छुपे अल्फाज में हमने देखा, तलाल चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि आपको कुछ अरसे में समझ आ ही जाएगी, डील का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहरहाल मकसद तो यही था ना कि पसे पर्दा कोई डील हो रही है। इसका ये मतलब कभी कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा जो आके कहे कि हमने डील की है और हमने एक NRO साइन कर दिया तो आएंगे। ये तो अदारों की भी तौहीन है, अदलिया की भी तौहीन है। मफाहमत तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि मैं फजलुर रहमान से मफाहमत कर लूं। वो नरेंद्र मोदी नहीं है जिसने कहा है अगले दिन तकरीर में, वो इस मुल्क का वजीर आजम है। एक चीज है, हुकूमत ये कह रही है अगर उससे कायम रहते तो शायद इतना मसला ना हो, वो ये क्योंकि इससे कानून आज साजी नहीं हो रही।